सत श्री अकाल जी, मैं अमर पंजाब एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन के सारे का मैं बहुत बहुत स्वागत करदा जी। तो आओ शुरू कर दें यह खास बुलेटिन पंजाब दीआं खास खबरां दे नाल। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने रोपड़ दे विच सरकारी सैकेंडरी स्कूल की अचनचेत चैकिंग की। इस मौके पर मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि स्कूल के बच्चों ने शिकायत भेजी सी कि स्कूल का माहौल खराब हो रहा है, जिसकी वजह फिलहाल एक मास्टर है। फिलहाल मौके पर पहुँच के उन्होंने हकीकत को जाणिया ते मौके पर कार्रवाई की है। पंजाब दे सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे वल्लों स्कूल का माहौल खराब करन अते ड्यूटी प्रति अणगहली वर्तन कारण जिला रोपड़ च एक स्कूल दे प्रिंसीपल नूं मुअत्तल कर दिता गया है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस दे वल्लों अज सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल ढेर जिला रोपड़ की अचनचेत चैकिंग की गई। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने दस्सिया कि कुछ दिन पहला इस स्कूल के बच्चों ने मैनू शिकायत भेजी सी कि स्कूल प्रिंसीपल स्कूल का माहौल खराब कर रहा है अते हो अक्सर शराब पी के स्कूल ड्यूटी करन आउंदा है। इस तो बाद अज स्कूल दे बच्चों ने वलों की शिकायत की जमीनी हकीकत जानने वास्ते अज अचनचेत स्कूल का दौरा किया। निरीक्षक दौरान देखा गया है कि प्रिंसीपल साहब अपनी ड्यूटी गैर जिम्मेवारी अते गैर संवेदनशीलता नाल निभा रहे हैं। मजाक बना रखा है थानू जी, दो इंटरैक्टिव पैनल भेजे क्यों नहीं चलते? खड़े हो तुसी, की नाम है थोड़ा? नवरीत जी, कितों तुसी? तुसी यंग टी, थोड़ा फर्ज नहीं बनता सी कि स्कूल से चल रहा? देखो असि दिन रात मेहनत करते हैं कि किसी तरीके ना लगे रहिए किसी तो इदा दी अज। चलो ये तो मैं जो कोई होर करता उन्हें एक मिनट से सारे स्कूलों के विश्वास टुट जाना। किन्ने टीचर्स मेहनत करते ने, किन्ने किदा आप इस महकमे को खड़ा कर, सिर्फ कुछ बंद करके बदनामी मीडिया ने यह खबर चलानी कि आ होया जी। किसी ने यह नहीं देखना कि सिर्फ एक बंदे की गलती है, थोड़े सारे की मेहनत भी रात मेहनत करते हो बच्चे कि इतने एडमिशन लेनी जी। ड्यूटी प्रति अणगहली अते स्कूल का माहौल खराब करन कारण प्रिंसीपल नूं मौके ते ही मुअत्तल कर दिता गया। दस दिने कि सरकारी सीनियर सैकेंडरी स्कूल की अचनचेत चैकिंग दौरान सिक्ख्या मंत्री दे वल्लों प्रिंसीपल नूं सस्पेंड किया गया है। पंजाब दे सीएम भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार लोगों को हर सुख सहूलत देने वचनबद्ध है। तो पंजाब के लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने तरन तारण विधानसभा हल्के की टंड कसेल सराय अमानत खां रोड की विशेष मुरम्मत का उपराला किया है। पंजाब दे सीएम भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार लोगों को हर सुख सहूलत देने वचनबद्ध है। इस दे तहत पंजाब दीयां सड़कां नूं पक्का करन दा काम मानयोग सरकार दे वल्लों लगातार जारी है। तरन तारण विखे लोक निर्माण मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने तरन तारण विधानसभा हल्के की कसेल सराय अमानत खां रोड की विशेष मुरम्मत का उद्घाटन किया। इस 7.54 किलोमीटर लंबी सड़क की शुरुआत 429 लाख रुपए की लागत नाल तैयार की जाएगी। इस मौके पर मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ के नाल हलका विधायक डॉक्टर कश्मीर सिंह सोहल भी मौजूद हैं। इस मौके पर मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि पंजाब के सीएम भगवंत मान की अगवाई वाली सरकार लोगों के हितों के बीच काम कर रही है। इसे के तहत तरन तारण विधानसभा हल्के की तहसील सराय अमानत खां रोड की मुरम्मत का उद्घाटन किया गया है। 7.54 किलोमीटर लंबी सड़क इसनों बनाने के 429 लाख रुपए की लागत खर्च की जाएगी। पिछले काफ़ी समय तो लोगों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पै रहा है। सड़क की उसारी के काम की शुरुआत होने लोगों को राहत मिलेगी। पंजाब के DGP गौरव यादव ने पुलिस जिले के अपने दौरे दौरान कानून की समीक्षा करने के लिए खन्ना के कई विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया है। तो लुधियाना रेंज के अधिकारियों के नाल अमन कानून की समीक्षा मीटिंग भी की गई है कि कुछ खास रहा वेखते हैं रिपोर्ट च। मुख्यमंत्री भगवंत मान के दिशा निर्देशों अनुसार एक मजबूत पुलिस बुनियादी ढांचा विकसित करने के उद्देश्य नाल पुलिस डायरेक्टर जनरल पंजाब गौरव यादव ने पुलिस जिले के अपने दौरे दौरान कानून की समीक्षा करने खन्ना के कई विकास प्रोजेक्टों का उद्घाटन किया।
लुधियाना रेंज के अधिकारियों नाल अमन कानून की समीक्षा मीटिंग की प्रधानगी करदिया डीजीपी ने उन्हां नाल वख-वख सुरक्षा अलर्ट अते इनपुट्स सांझा कीते। मीटिंग दे विच लुधियाना रेंज दे इंस्पैक्टर जनरल डॉक्टर कौस्तुभ शर्मा, एसएसपी खन्ना अमनीत कौंडल, एसएसपी लुधियाना दिहाती नवनीत सिंह बैंस अते एसएसपी एसएसबी नगर डॉक्टर अखिल चौधरी हाजिर सन। उन्होंने समूह पुलिस अधिकारियों स्वतंत्रता दिवस के मद्देनज़र चौकस रहन अते पुलिस पेट्रोलिंग तेज करने लई भी कह दिता है। डीजीपी गौरव यादव ने दसिया कि इस कॉन्फ्रेंस हाल के उद्घाटन नाल जिले के विच तैनात जीओस अते एनजीओस पुलिस विभाग के काम के म्यार नूं उच्चा चुकण लई वख-वख सैमीनार मीटिंग अते प्रोग्राम आयोजित कर सकते हन। उन्होंने कहा कि अति आधुनिक कॉन्फ्रेंस हाल प्रोजैक्टर अते एलईडी स्क्रीनां वर्गियां नवीनतम टैक्नोलॉजी नाल लैस हन। पुलिस स्टेशन पुलिस के काम की सहूलत लई नवीनतम बुनियादी ढांचे हन। अज खन्ना दे विच पुलिस स्टेशन सिटी खन्ना दी बिल्डिंग दा इनॉगरेशन अते रेनोवेटेड कॉन्फ्रेंस रूम दा इनॉगरेशन कीता। सभी ऑफिसर्स नाल गलबात कीती, इंटरैक्ट कीता, क्राइम अते लॉ एंड ऑर्डर रिव्यू कीता गया। 15 अगस्त के मद्देनज़र प्रिपेयरनेस नू अलर्ट, वेरियस सिक्योरिटी अलर्ट्स जिहड़े आए सीगे उन्हां तो ऑफिसर्स नू जागरूक कराया गया। तो जिहड़ी टाइम टू टाइम जिहड़ी साडी प्रोफेशनल पुलिस वर्किंग के पैरामीटर्स हैगे उस तो जागरूक कराया गया। पंजाब पुलिस पूरी तरह सजग है, अलर्ट है, क्राइम ते क्रिमिनल्स तो नत पाने जिहड़ा चीफ मिनिस्टर भगवंत मान जी दे निर्देश मुताबिक। डीजीपी गौरव यादव ने लुधियाना रेंज के उच्च कार्यकारी पुलिस अधिकारियों अते कर्मचारियों नू अपनी ड्यूटी ईमानदारी ते तनदेही नाल निभाउण लई उत्साहित करन अते उन्हां नू प्रेरित करन लई अते CC1 सर्टिफिकेट दे के सम्मानित भी कीता। अमृतसर दे विच पुलिस दे वल्लों 15 अगस्त नू लैके सुरक्षा दे करड़े बंदोबस्त कीते जा चुके ने, जिस नू लैके हर थां उत्ते पुलिस फोर्स नू तैनात कीता गया है ते हर आउण जाण वाले व्यक्ति अते वाहनां दी चैकिंग भी की जा रही है। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडां दी गल करिए, भावें होर भीड़ भाड़ वाले इलाकियां दी गल करिए, हर थाई चैकिंग हुंदी हुई नज़र आ रही है। अमृतसर च 15 अगस्त नू लैके सुरक्षा दे सख्त इंतजाम किए गए हैं, जिसनों लैके अमृतसर के सारे चौंका चौराहे पुलिस तैनात की गई है अते बाहरों आने वाले हर एक व्यक्ति ते नज़र रखी गई है। इस दौरान विशेष नाकाबंदी करके वाहनों तो कालिया फिल्मां उतारियां गई ते वाहनों की चैकिंग की गई है। इस दौरान इस मौके ते खड़े पुलिस अधिकारियों ने 15 अगस्त के मद्देनज़र शहर च सुरक्षा प्रबंधा नूं वधाउण की जानकारी दी। उन्होंने दसिया कि तीनों जोनों के ADGPs की देखरेख हेठ संवेदनशील इलाकों, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडा, मॉल्स और भीड़ भाड़ वाले इलाकों के एंटी सैबोटेज टीम डॉस्कॉड की मदद के नाल चैकिंग की जा रही है। इस तों इलावा शहर के अंदरूनी बाहरी रस्तियां घेर के 24 घंटे विशेष नाकाबंदी करके वाहनों की चैकिंग की जा रही है। शहर के दिन रात ही पेट्रोलिंग भी वधा दिता गया है। इस दे नाल ही लोकां दे विच सुरक्षा की भावना पैदा करन दे लई फ्लैग मार्च भी कढ़िया गया है। उन्हां ने दस्सिया कि समूह SHOs नूं आपो अपने इलाके दे होटलां, गैसट हाउसां अते सरावां दी अजनचेत चैकिंग करन लई भी हिदायत दित्ती गई है। उन्हां दी आपां फिल्मां उतार रहे हैं जी, नाल चलान कर रहे हैं जी। खास करके देखो थोड़ा जिहा भी आपां देखिया जा रहा कि कईआं नूं पता नहीं है, कई स्टेटा विच फिल्म लागू आ चलदियां वा, कई स्टेटा विच नहीं चलदियां। ये उन्होंने फिर सानू दसना पैंदा वा, समझाना पैंदा वा कि जी साडे स्टेट दे विच जिहड़ी है काली जाली या काली फिल्म है वह अलाउड नहीं है। जे इत्थे लगा के तुसीं घूमोगे तुहाडा चलान होएगा, तुहानू जुर्माना पएगा। नहीं ओनू तो आप कर रहे हैं जी, बहुत ही सख्ती नाल उस चीज़ का आप कर रहे हैं चलान। बिल्कुल उन्होंने स्पैशल चैक किया जा रहा वा कि जे तो उन्होंने अप्लाई किया हो उन्होंने को रसीद हैगी है, चाहे ऑनलाइन रसीद है तो चाहे हार्ड कापी आ, वो चैक करके फिर आप छड़ रहे हैं उन्होंने कि जो अपनी तरीक न आपे चेंज करवाएंगे। DCP के अनुसार ट्रैफिक पुलिस लगातार ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू रूप दे नाल चला रही है। दूजे पासे जेकर तुहानू किसी भी शक्की व्यक्ति जां चीज बारे पता लगता है तां पुलिस नूं सूचित करो।
फरीदकोट की माडल जेल के लगातार चैकिंग अभियान चलाया जा रहा है। तो चैकिंग अभियान के दौरान कैदियों तो मोबाइल या फिर नशीली वस्तुआं बरामद होंदिया। इस दे तहत जेल पुलिस की पेट्रोलिंग वधा दी गई है ता जो शरारती अंसर ते ठल पाउण दे विच मदद हो सके। फरीदकोट की माडल जेल हमेशा विवादा दे विच घिरी रहिंदी है। जेल दे विच लगातार चलाए गए चैकिंग अभियान के दौरान कैदियों तो फोन या होर कई नशीली वस्तुआं बरामद होंदिया हन। जिला पुलिस के वलों जेल के नेड़े पेट्रोलिंग वधा दी गई है। नाल ही जेल गार्डा के वलों भी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बीते दिन ही दुशक्की व्यक्तियों जेल के नेड़े घूमते हुए देखा गया सी। जब जेल गार्डा ने PCR के वलों उन्होंने फड़न की कोशिश की गई तो उन्होंने एक फरार होने के विच सफल रहा, जबकि दूजे व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। तफ्तीश के दौरान उन्हां तो 23 पैकेट बरामद हुए हैं, जिस दे विच 7 मोबाइल, चार्जर, लाइटर ते होर भी कई समान बरामद होया। ये जेल डिपार्टमेंट वालों सानू आया सी पत्र, उन्होंने ना गश्त दौरान साढ़े PCR भी नाल सी। उन्होंने गुरप्रीत सिंह दा वासी मनामा जिला मोगा दा बंदा फड़िया, जिहड़ा आम अक्सर उन्होंने दस्सिया भी अंदर उहदे कोल गेंद टाइप बॉल टाइप सीगा, अंदर थ्रो कर देंदे उपर दी, उहदे विच मोबाइल्स, चार्जरस एंड बैटरीज, फोन बैटरीज, ईवन इत्थों तक कि बीड़ियां दे बंडल भी अंदर जांदे आ। उह कल फड़िया सी, उहदे फड़ के असीं परचा दित्ता जी 279 नंबर, ते उहदे जिन अंदर जिहदे लई सुट रिहा सी उह भी हैगा सनमप्रीत सिंह, उह अंदर हवालाती है तलवंडी भाई जिला फिरोजपुर दा, उहदे लई उह समान सुट रिहा सी। उसदे कोलों जी 23 बॉल्स टाइप, 7 मोबाइल्स, एक बंडल बीड़ियां दा, 2 लाइटर, 2 चार्जिंग केबल्स, इस तरह के काफ़ी समान से। पुलिस के वलों गिरफ्तार किए गए मुलजम गुरप्रीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। नाल ही जेल के बंद एक होर हवालाती सनकप्रीत सिंह के खिलाफ भी मामला दर्ज कर लिया गया, जिस दे लई ए समान जेल के पहुँचाया गया सी। पंजाब एक्सप्रेस के इस खास बुलेटिन चेन्नई, सत श्री अकाल जी।